चलिए आइए, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग काफ़ी सारा चीज़ कर लिया था, सो वी विल डू फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन दैट एंड देन टुमारो होपफुली वी विल स्टार्ट विथ रेशियो एनालिसिस। ठीक है, आइए। सो कैन आई हैव वन रिविजन नोटबुक जिससे कि मैं आपको क्वेश्चंस करवा सकूं। कल मैंने शायद 2 क्वेश्चंस करवाए थे आपको, ठीक है। आइए, let us do September 2014। ये हमारा सितंबर 2014 में आया था ये क्वेश्चन, तो हम लोग इसी को करते हैं आज। हाँ, सितंबर 2014 में आया था। वेक्टर नहीं है बेटा, विक्टर। हाँ, विक्टर लिमिटेड, सितंबर 2014। ठीक है, सभी को फिजिकल क्लास में स्क्रीन दिखाई दे रही है अच्छे से? आंखों पे जोर नहीं पड़ रहा है ना? हाँ, ठीक है। ये नया क्लासरूम कैसा लग रहा है सबको? ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए, सो एज यूजुअल अपन बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income for the year ended 31st August 2014. ठीक है, पर्टिकुलर्स, और ये हमारा इन 1000 है। रेवेन्यू, लेस, हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारा 6 Gross profit less admin expenses less selling expenses, आगे हमारा operating profit। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सॉरी, ऐड फाइनेंस इनकम, profit before tax less taxes, आगे हमारा नेट प्रॉफिट, एड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो ये जो आएगा इसको अपन बोलेंगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सही है ना? नोट वन, नोट टू, नोट थ्री। ठीक है, अब हम यहाँ बनाएंगे नोट वन, नोट टू, नोट थ्री। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 4500, ऑडिट फीस 3780, बैंक का डेबिट साइड में देखो यहाँ पे दो साइड बैलेंसेस दिया है ना, राइट, दो साइड बैलेंसेस दिया हुआ है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, सो बैंक विल बी करंट एसेट 11340, डिबेंचर लोन है 43740, बैंक वाला डेबिट साइड में दिया ना बैलेंसेस तो करंट एसेट होगा, डिबेंचर लोन 8% है 43470, सॉरी 43470 हमारा डिबेंचर लोन है और डिबेंचर इंटरेस्ट है 1740। अभी जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा ना तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर मैं 43470 का 8% करूं तो कितना आता है रफली, देखो एक बार 43470 का अगर मैं 8% करूं तो रफली कितना आएगा, 3477.6 है ना, और हमारा 1740 पेड है, इसका मतलब बाकी का हमारा आउटस्टैंडिंग हो गया। अगर ये यहाँ तो एडजस्टमेंट में देखो, एडजस्टमेंट में बोल भी दिया है डिवेंचर्स हमने 3 साल पहले इशू कर रखा था, मतलब इस साल हमने पूरा 12 महीना डिवेंचर का यूज किया है। ड्यूरिंग द ईयर हमारा जो भी डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है उस हिसाब से हमारा ब्याज आएगा। हमारा साल ये शुरू कब हो रहा है, 1 सितंबर 2013 को, अगर आप गौर से देखेंगे तो। इस क्वेश्चन की हमारी अकाउंटिंग पीरियड क्या है, 1 सितंबर 2013 से लेके 31 अगस्त 2014 हाँ या ना? तो हमने सितंबर 13 के पहले इशू कर रखा है डिबेंचर, मतलब डिबेंचर आउटस्टैंडिंग पूरा 12 महीना है तो इंटरेस्ट अक्रू 12 महीने का होना चाहिए, हाँ या ना दोस्त? इंटरेस्ट अक्रू कितने दिन का होना चाहिए? 12 महीने का होना चाहिए दोस्त, गलत बात नहीं बोलूंगा मैं, सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं पहले बताओ। क्वेश्चन में लिखा है अच्छा पैसे मैंने 2022 में चुकाना है, इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा, नॉन करेंट लायबिलिटी। अगर कोई लोन विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम बैलेंस शीट डेट है, सपोज तुमने आज आज लोन ले लिया 20 साल का, तो बैलेंस शीट डेट वाले दिन लोन आउटस्टैंडिंग है तो उसमें से आने वाले 12 महीना में जो भी किस्त ड्यू होने वाला है उसको आप करंट लायबिलिटी बोल के दिखाएंगे, और आने वाले 12 महीने के बाद जो ड्यू होने वाला है उसको आप नॉन करंट, मतलब लोन का भी आप बाइफर्केशन करेंगे, कितना करंट है कितना नॉन करंट है। तो करंट लायबिलिटी में आएगा करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब क्या है? यह लोन का वो हिस्सा है जो बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के अंदर अंदर चुकेगा। और नॉन करंट लायबिलिटी में लोन का वो हिस्सा आएगा जो बैलेंस शीट डेट का बियॉन्ड 12 मंथ्स हो चुकाना है। आपको आ रही मेरी बात समझ में? ये सारा ज्ञान, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, राइट? ये सारा ज्ञान बाय डिफॉल्ट आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही दे सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिबेंचर में साल में 2 बार इंटरेस्ट देते हैं अपन, सिक्स मंथली। तो सितंबर 13 से लेके फरवरी 14 तक 6 महीना हो गया, इसका ब्याज हम मार्च में चुकाएंगे, और मार्च से लेके अगस्त 14 तक इसका ब्याज हम सितंबर में चुकाएंगे। ऐसे ही होता है डिबेंचर में, 6-6 महीने का इंटरेस्ट होता है। तो सर अगले साल चुकेगा ना भैया, 2 दिन भी अगले साल गया मतलब वो आज के लिए आउटस्टैंडिंग ही हो जाएगा। चीज को समझना, 31 तारीख को बैंक से पैसा चला गया, ठीक है, 1 सितंबर होते ही वो 31 तारीख के लिए क्या माना जाएगा? आउटस्टैंडिंग। तो वही लिखा है मार्च 14 से लेके अगस्त 14 तक सितंबर में दिया है, तो एज ऑफ अगस्त तो वो आउटस्टैंडिंग है ना, इससे देखो ट्रायल बैलेंस में नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ट्रायल बैलेंस में जो ब्याज है वो 6 महीने का है? तो अपन जब यहां फाइनेंस कॉस्ट दिखाएंगे 1740 में प्लस 1740, 3480 माइनस 1740 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोल के आएगा। सही है ना? डिविडेंड पेड रिटेन अर्निंग से माइनस होगा, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। फैक्ट्री का कॉस्ट और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, मतलब फंड फॉर डेप्रिसिएशन। ओपनिंग स्टॉक 2160, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट का भी कॉस्ट और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, $3606। परचेजेस, प्रोडक्शन रिलेटेड जितना भी खर्चा हुआ यहां आएगा। रिटेन अर्निंग जाएगा बैलेंस शीट में। रेवेन्यू 1,08,000। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर हम बोल रहे थे कि सर ये जो ट्रायल बैलेंस वाला क्वेश्चन है सर, ये हमको कौन सा जो आप बुक्स प्रोवाइड किया गया उससे मिलेगा या फिर कहाँ से मिलेगा? रिवीजन नोटबुक आया ना आपके पास? हो सर, अभी तक मेरे पास डिलीवर नहीं हुआ है सर, आएगा। तो माई पेपर में डैशबोर्ड में जाओ, माई पेपर में स्टडी मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल में सॉफ्ट कॉपी होगा, वहाँ सॉफ्ट कॉपी में हमारा इसका दिया हुआ है। ओके सर, कौन से ईयर को खोलना होगा सर सॉफ्ट कॉपी? रिवीजन नोटबुक देखना। अच्छा ठीक है सर। शेयर कैपिटल इक्विटी, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट। ठीक है दोस्त। वेजेस 1944, एडमिनिस्ट्रेशन वाला 11772, मैन्युफैक्चरिंग वाला, और 12384 सही है क्या? बोलिए दोस्तों। Is it okay everyone? That's cool. Now we have closing stock counted on 31st August 2014 and valued at 675. इसका दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट करंट एसेट, डिबेंचर का हो गया, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री। टू 2% ऑफ कॉस्ट 1,004,40 इक्वल टू 2%। Is it fine everyone? Yes, sir. मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट का 25% रिड्यूसिंग बैलेंस। रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब दोनों को माइनस करना पड़ेगा। 9504 माइनस 16 पक्का ना, मैं चेक नहीं कर रहा। सही है। चलिए, वेजेस 9000। अच्छा, ये सब एक्रूड है। देखो लिखा फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैव बीन एक्रूड, मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो 9000 का वेजेस बाकी है, ठीक है, कोई बात नहीं। आउटस्टैंडिंग दिखाना है 9000 मतलब 9 तीनों में दिखाना है। एडमिनिस्ट्रेटिव, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, O/S वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। 3 3 3 9000 है ना। सो 3 3 3 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 40। $40,000 है तो 40 आएगा। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यहां है। लेस प्रीपेड इंश्योरेंस -10। क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट क्या है? बैलेंस शीट करंट एसेट। डेप्रिसिएशन का डबल इफेक्ट एक्यूमुलेटेड के साथ ऐड होके फिर एसेट से लेस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग का करंट लायबिलिटी और प्रीपेड का करंट एसेट, ठीक है ना। डन। टैक्स कितना है? 4190। दैट्स इट, दैट्स इट दोस्तों। अभी 28-29 तारीख से ऑनलाइन क्लास होगी। हाँ, थोड़ा दिन पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, फिर ऑनलाइन मैं 2:30 बजे से रख लूंगा। कोशिश कर रहा हूँ जैसे कि तुम लोग भी कर सकोगे। यहाँ भी आ सकते हो उस दौरान, जैसे दिन में यहाँ आके लैपटॉप ले आना, ऑनलाइन क्लास कर सकते हो। 62,000 10 point. ठीक है ना, पांच मिनट का टाइम दे रहा हूं, 5 मिनट्स। बैलेंस शीट उतारो, 5 मिनट में बैलेंस शीट उतारिए, फिर रेशियो एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। हो गया सबका? चलिए, सो बहुत इजी है। हाँ बोलो हर्ष अग्रवाल। हर्ष जी बोलिए। फैक्ट्री, फैक्ट्री का कॉस्ट कितना है बेटा? $11440 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहले का कितना है? 19008 प्लस 2008.8 कितना आ रहा है? 423.2। इसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, इसकी कॉस्ट कितनी है बेटा? 90504। एक्यूमुलेटेड पहले का कितना है? 25,920 प्लस 16146 कितना आ रहा है? 420। अरे यार इक्वल टू दिस, ठीक है। तो सारा फिक्स्ड एसेट का टोटल कितना हुआ? 127861। हाँ ठीक है, प्रीपेड भी आएगा ना करंट एसेट में। कितना आ रहा है टोटल अब बताओ? 0. ये मेरा टोटल एसेट आ गया। अभी मैं इक्विटी का ना बगल में कर रहा हूं, होगा इसके नीचे, लेकिन मैं साइड बाय साइड कर रहा हूं। शेयर कैपिटल कितना बेटा? अदर रिजर्व नहीं है। ऑलरेडी है $15,000 पॉइंट। $36,185.2 कितना आ रहा है? डन। करंट लायबिलिटी में आएगा एक तो हमारा ट्रेड पेबल्स कितना है? $1,740 इंटरेस्ट, प्लस 9, प्लस 40 कितना आ रहा है? मैच हो गया ना? डन। चलिए अब हम लोग बात करेंगे रेशियो एनालिसिस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Now, if I tell you I have earned a profit of 15,665, अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने 15-16 हजार का प्रॉफिट कमाया है, डज इट मेक एनी सेंस? इट डजंट मेक एनी सेंस। एक फाइनेंशियल फिगर से मैं 2 करोड़ कमाया, सो एब्सोल्यूट फिगर डज नॉट टेल यू एनीथिंग। एब्सोल्यूट फिगर निकालते हैं क्योंकि इसी के बेसिस पर अपन फाइनेंशियल काम कर पाएंगे, डिसीजंस ले पाएंगे। तो ये एब्सोल्यूट फिगर इज मीनिंगलेस, सो वी हैव टू एक्सप्रेस वन फिगर विथ रिलेशन टू अनदर, तब जाके हम कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे। सो व्हाट इज रेशियो? इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। Relationship between two financial numbers, right? दो चीज के बीच में रिलेशन बताता है। जैसे अगर मैं इस सम की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, रेशियो ऑफ जीपी टू सेल्स, तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स का रिलेशनशिप बताता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, व्हाट वाज आवर ग्रॉस प्रॉफिट, जस्ट टेल मी। कितना था? 4598.9.2, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था। सेल्स हमारा 1,08,000 into 100. What is the percentage? Can anyone tell me? .58%। इसका मतलब क्या मालूम है? 42 मतलब रफली 43। इट मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 57% ऑफ सेल्स। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 57% है। रेवेन्यू से खाली मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस किया, वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। रफली मैं इसको 43 पकड़ रहा हूं। मेरे कॉम्पिटिटर का जीपी इज 48, मेरा कॉम्पिटिटर का जीपी इज 48। व्हाट डज इट मीन? उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 52% है। He is better using economies of scale. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने का क्या क्या उपाय से आप कम कर सकते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? वेस्टेज रिड्यूस करना पड़ेगा, लेबर का एफिशिएंसी बढ़ाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने का दो मेन रीजन बताओ। एक हमारा वेस्टेज, आज अपन रॉ मेटेरियल को प्रोसेस में डाला, राइट? अभी हमारे यहाँ पे ये तो हम लोग यहाँ पे थे डे रात, डे नाइट बोथ, तब जाके हमारा वेस्टेज इज ऑलमोस्ट जीरो। मतलब वॉलपेपर का टुकड़ा भी बचा था, वो भी मैंने कहीं ना कहीं लगवा दिया है। तुम लोग को दिखेगा नहीं जॉइंट्स, जैसे कॉमन एरिया की हमारी बात नहीं हुई थी, वो खाली इसी का मेजरमेंट लेके गया था, पीछे की बात नहीं हुई थी, तो मैंने उसमें कॉमन एरिया भी करवा लिया, पीछे का भी करवा लिया। ये अगर मैं नहीं रहता तो क्या करते वो लोग? जितना बोला था उतना ही लगा के चले जाते और रोल को ऐसे फेंक देते। उनका थोड़ी पैसा लगा है। सी, जमीन में कितना सारा फेविकॉल गिरा पड़ा है। ये तो सोचो मैं यहां था बोल के वेस्टेज कम हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एक तो रॉ मटेरियल का वेस्टेज, अच्छा कुछ कुछ केस में ना वेस्टेज होता ही है। आप भगवान श्री कृष्ण से भी प्रोडक्शन करवा लीजिए। इवन इफ गॉड डस प्रोडक्शन, स्टिल ये डिफॉल्ट होगा ही, ये वेस्टेज होगा ही होगा। उसको अपन बोलते हैं अनअवॉइडेबल लॉस, नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस को अपन कॉस्ट में अकाउंट फॉर कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना है, वेस्टेज एंड लेबर एफिशिएंसी, दीज टू आर द मेन क्राइटेरिया। सो मे बी ही इज यूजिंग बेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है? Maybe his volume is double of mine. तुम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, as the production increases, your average cost falls. Average cost of production आपका गिरता है जब आप larger economies of scale enjoy करते हैं ना, जब आपका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो एक तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो मैं ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदूंगा, तो मेरा बार्गेनिंग पावर भी बढ़ेगा वेंडर के साथ, और किसी भी वर्कर को मैं अगर ज्यादा काम दूंगा तो मैं उसके भी बार्गेन कर सकता हूं। तो व्हेन यू एंजॉय लार्जर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो ऐसा हो सकता है मेरा कॉम्पिटिटर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 52%, मे बी उसका वेस्टेज कम हो मेरे से, लेबर एफिशिएंसी अच्छा है उसका, या ही इज एंजॉयिंग लार्जर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आएगा एग्जाम में लिखने के लिए। खाली अगर मैं बोलूं मैंने 10 लाख रुपए कमाया, उस डजन मेक एनी सेंस। आपने कितना का सेल्स में 10 लाख कमाया, क्या आपका इन्वेस्टमेंट था, ये सब चीज। तो ये जो रेशियो आता है ना, ये पहले रेशियो आ गया, फिर मैंने एनालिसिस किया ना एनालिसिस किया ना, कॉम्पिटिटर के साथ कम में कंपेयर किया। तो सर आप बोले फाइनेंशियल फिगर इज मीनिंगलेस, मेरा अपना रेशियो इज ऑल्सो मीनिंगलेस टू मी। मेरे अपने रेशियो से मैं अपना लास्ट ईयर कंपेयर कर सकता हूं, बट इंडस्ट्री के लिए तो मेरे को इंडस्ट्री का फिगर भी चाहिएगा। तो रेशियो वंस कैलकुलेटेड, needs to be compared with number A, last year performance, competitor, industry average, economy. अपना लास्ट ईयर परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करिए, कंपटीटर के साथ, इंडस्ट्री एवरेज, इकोनॉमी। अब अगर मैं टाइप ऑफ रेशियोज की बात करूं, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, एक्टिविटी, सॉल्वेंसी। ठीक है, नाउ अपने एक एक रेशियो करके बात करेंगे। ना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में दो टाइप का रेशियो होता है, एक होता है इन रिलेशन टू सेल्स और एक होता है इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट्स। हमारा शेयर होल्डर हमको पूछ रहा है कितना कमा के दिया भैया, हमने आपको पैसे दिए ना, मैं इन पैसों को अगर एफडी में लगाता कितना टका का ब्याज आता? 5-7 से 8% आएगा एफडी में। म्यूचुअल फंड करता 12 से 15 अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो आपने क्या दिया मेरे को कमा के? बता रहा हूं मैं क्या कमा के दिया। तो इसमें काफी सारा रेशियो होता है। एक होता है इन रिलेशन टू सेल्स, GP ratio is what? Gross profit by sales into 100. NP ratio. ठीक है, हंड्रेड माइनस जीपी रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स परसेंटेज। ठीक है भैया, इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट्स return on capital employed EBIT by capital employed into 100। capital employed में डेप्ट और इक्विटी दोनों आएगा, मतलब लॉन्ग टर्म और इक्विटी। बहुत लोग इसको क्या करते हैं ना, इसको EBIT को आफ्टर टैक्स लेते हैं। तो लोग क्या करते हैं, EBIT में 1 - T कर लेते हैं डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। एक होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बाय इक्विटी इनटू 100। ठीक है, हाँ, ये टोटल इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू है। दिस इज टोटल इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू और दिस इज शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अच्छा अभी EBIT कैसे आएगा? यह है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद जब मैं फाइनेंस इनकम ऐड करूं, सो EBIT इज इक्वल्स टू operating profit plus finance income. तो अगर फाइनेंस इनकम नहीं है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT हो जाएगा। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट से मैं प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दूंगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। जैसे शेयर होल्डर में भी दो कैटेगरी होती है, इक्विटी, प्रेफरेंस, तब जाके हमारा आएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। उसको मैं इक्विटी से डिवाइड करूंगा। ठीक है, Is it fine all of you? I think सबको समझ में आ रहा है। सो अपन बात करेंगे डिटेल में कल और, ठीक है। तो आप लोग कम से कम ये इसका ये 5 रेशियो निकाल के आइएगा। जैसे अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं तो इसमें एक करंट रेशियो होता है, दैट इज करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। सॉल्वेंसी रेशियो की बात करूं तो एक होता है हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो, दैट इज डेब्ट बाय इक्विटी। इसका एक और फॉर्मूला है डेब्ट बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो इतना रेशियो एक बार आप लोग कल निकाल के आइएगा, देन हम लोग और डिटेल में बात कर लेंगे। Okay, sir.